Assalamu alaikum students, I hope you're all doing well. My name is Tanveer Ali and you are watching Tanveer Ali YouTube channel. And if you're watching me on Facebook, then don't forget to follow my page. Today in this lecture, we are going to learn about tenses. First of all, we will discuss about definition, then its meaning, then formation, and at the end of the lecture, we will explain it further with the help of a table. Now, without wasting our time, let's get started. तो स्टूडेंट्स, हमेशा पूछा जाता है कि टेंसेस जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग, अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग जो बताया जाता है वो होता है ज़माने, टाइम। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, टेंसेस का मीनिंग टाइम नहीं होता, टेंसेस का मतलब टाइम नहीं होता। इसका मतलब होता है कि वो काम जो किसी वक्त के अंदर किया जाए, यानी वो काम जो किसी वक्त को ज़ाहिर करे, ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशन लिखी है, देखते हैं ज़रा। टेंसेस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेस टाइम। टेंसेस क्या है? एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। किसको एक्सप्रेस करती है? टाइम को। यानी टेंस के अंदर, टेंसेस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक टाइम और दूसरा एक्शन। एक और डेफिनेशन लिखी है, इसे भी देख लेते हैं ज़रा। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। एक टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट अलाउज यू, जो आपको अलाउ करती है। क्या अलाउ करती है? टू एक्सप्रेस टाइम, कि आप किसको एक्सप्रेस करो? टाइम को। यानी कि ऐसा काम, ऐसा वर्ब, ऐसा एक्शन जो किसको डिस्क्राइब करे? टाइम को, जो जिससे हमें किसी वक्त का पता चले। वो काम जो किसी वक्त को जाहिर करे, यानी आप ऐसे भी कह सकते हो, वो काम जो किसी वक्त के अंदर किया जाए। अब अगर हम देखें टेंस के अंदर कितनी चीज़ें होगी, टाइम और एक्शन। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है, टेंसेस बन जाते हैं। अब अगर देखें तो हमारे पास जो टाइम है वो कितना टाइम होता है? टाइम हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, देन पास्ट, और लास्ट आखिरी टाइम है फ्यूचर। प्रेजेंट, अब प्रेजेंट कौन सा टाइम है? वो टाइम जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है, ठीक है, वो प्रेजेंट है। और वो काम जो हो चुका है वो पास्ट है, और वो काम जो अभी होगा तो वो होगा फ्यूचर। अब कौन सा टाइम प्रेजेंट है, कौन सा टाइम फ्यूचर है, कौन सा टाइम पास्ट है? तो इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो, वो एक सेकेंड जो अभी गुजर गया है वो पास्ट में चला गया, और वो एक सेकंड जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट में है, और वो एक सेकंड जो अभी आने वाला है वो फ्यूचर में है, ठीक है। एग्जांपल देखें ज़रा, यहाँ पर मैंने लिखी है आई वॉक, मैं चलता हूँ, ये प्रेजेंट में है। देन आई वॉकड, मैं चला, पास्ट में डेफिनेट। अच्छा, और लास्ट में है आई विल वॉक, मैं चलूँगा, ठीक है। मैं चलता हूँ, मैं चला, या मैं चला था, मैं चलूँगा। तो आप देखें प्रेजेंट, एक प्रेजेंट है, प्रेजेंट जो अभी हमारा डेली रूटीन वर्क है, पास्ट जो गुजर चुका है, और फ्यूचर जो अभी आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं एक्शन। एक्शन जो है, यानी काम जो है, जो वर्ब है, वो हमारे पास चार तरह के होते हैं। जो एक्शन है हमारे पास, या तो क्या होगा, इनडेफिनेट होगा, या कंटिन्यूस होगा, या परफेक्ट होगा, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। सबसे पहले देखते हैं इनडेफिनेट को। अब इनडेफिनेट जो एक्शन होते हैं वो कौन से एक्शन होते हैं? वो एक्शन, वो काम जो नॉन मेजरेबल होते हैं, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते कि भाई कोई काम है, कितना काम है, हम ये मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है, हम इसके लिए कोई यूनिट नहीं है कि हम उसको मेजर करें कि वो कितना खाना खाता है, 2 किलो खाना खाता है, 3 किलो, 4, हम ये मेजर कर ही नहीं सकते, बात समझे। तो वो काम जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो क्या होंगे? इनडेफिनेट होंगे। और वो काम जो कंटिन्यू होंगे, जो जारी होंगे, प्रोग्रेसिव, इसको कंटिन्यू, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, यानी वो काम जो जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, वो अभी रास्ते में है, पहुंचा नहीं है, कंटिन्यू है, काम कंटिन्यू है, तो क्या है? कंटिन्यूस। जब वो स्कूल पहुंच जाएगा, जब वो स्कूल पहुंच चुका है, तो वो क्या होगा? परफेक्ट। जब काम मुकम्मल हो चुका है, या मुकम्मल हो चुका था, या मुकम्मल हो चुका होगा, तब वो क्या होगा? परफेक्ट। अब परफेक्ट कंटिन्यूस को अगर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा मसला है। अब ये क्या चीज़ है?
परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका मतलब अगर खाली मीनिंग को देखें तो किसी वक्त के अंदर, किसी मखसूस वक्त के अंदर कोई काम जारी है। भाई वैसे भी हर काम किसी वक्त के अंदर ही होता है, लेकिन यहाँ पर टाइम जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, खास वक्त हो जाता है, ठीक है। अब ये इसको हमने बनाया कैसे है, इसको हमने कुछ इस तरह से बनाया है, परफेक्ट और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस से हमने फॉर्म ऑफ वर्ब ली है जो कि क्या है, वर्ब की ing फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और परफेक्ट के, परफेक्ट के हमने हेल्पिंग वर्ब लिए हैं। प्रेजेंट में है तो हैज हैव, पास्ट में है तो हैड, फ्यूचर में है तो विल हैव, शल हैव, यानी हैज हैव के साथ ing फॉर्म और साथ में बीन। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल देखें कंटिन्यूस के साथ, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें टाइम बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें टाइम बताना पड़ेगा, भाई वो क्रिकेट खेल रहा है कब से खेल रहा है, वो स्कूल जा रहा है कब से जा रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर काम क्या है, जारी है, वक्त का नहीं पता। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर मैनी ईयर्स, मैं आपको कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर पता चल गया कि भाई क्या है, कब से काम हो रहा है, कई सालों से काम हो रहा है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि मैं आपको 2015 से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2015। अच्छा, और वो खाना खा रहा है, वो कब से खा रहा है, नहीं पता, फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खाना खा रहा है, ही हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अच्छा, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, यानी आप कह सकते हो, या इवनिंग भी कह सकते हो, सिंस इवनिंग, ठीक है। सिंस और फोर का जो डिफरेंस है, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप मेरे लेक्चर्स में जाकर देख सकते हो। अच्छा, तो टाइम और एक्शन, टाइम और एक्शन को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, टेंसेस बन जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, टाइम और एक्शन, वक्त और काम को, दोनों को अगर मिला दें तो हमारे पास क्या है, 12 टेंसेस बन जाते हैं। तो देखते हैं ज़रा, टाइम प्लस एक्शन, टाइम को, टाइम में क्या कर दिया हमने, एक्शन का इजाफा कर दिया, यानी वक्त का, वक्त के अंदर काम का इजाफा कर दिया। तो प्रेजेंट के अंदर इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट बन जाएगा, प्रेजेंट के अंदर कोई काम जारी है, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट के अंदर कोई काम हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट में किसी मखसूस वक्त के अंदर कोई काम जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसी तरह पास्ट में, पास्ट में कोई काम इनडेफिनिट है, पास्ट में कोई काम क्या है, इनडेफिनिट है, यानी नॉन मेजरेबल है, पता नहीं भाई कोई काम हमने किया था, कितना किया था नहीं पता। देन पास्ट में कोई काम जारी है, पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट में कोई काम मुकम्मल हो चुका था, यानी पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट में किसी मखसूस वक्त के अंदर कोई काम जारी था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर में कोई काम इनडेफिनेट है, फ्यूचर में कोई काम हम करेंगे, कितना करेंगे नहीं, हमें नहीं पता, तो फ्यूचर इनडेफिनेट। अब फ्यूचर के अंदर कोई काम जारी होगा, कंटिन्यू होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस। अब फ्यूचर के अंदर कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर के अंदर किसी मखसूस वक्त, किसी खास वक्त के अंदर कोई काम जारी होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अगर इसकी एग्जांपल देखें, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, वो क्रिकेट खेलता है, नहीं पता कितनी खेलता है, मैयर नॉन मैयरेबल है, नहीं मैयर नहीं कर सकते, तो इनडेफिनेट है, प्रेजेंट इनडेफिनेट। अच्छा, प्रेजेंट डेफिनेट की खास बात यह है कि यहाँ पर हमारे जो डेली रूटीन वर्क होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इनडेफिनेट में आते हैं। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, काम क्या है, कंटिन्यू है, जारी है, कब जारी है भाई, प्रेजेंट में जारी है, वो खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब वो क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है, काम पूरा हो गया, कब पूरा हुआ है भाई, प्रेजेंट में पूरा हुआ है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब क्या है, वो क्रिकेट खेल रहा है, कब से खेल रहा है, सुबह से, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग वो मखसूस टाइम हो गया जब क्या हुआ है, काम शुरू हुआ है।
स्टार्टिंग टाइम का हमें पता चल गया। अच्छा, किसी मखसूस वक्त के अंदर क्या है, कोई काम जारी है। अब यहाँ पर भी वो क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर भी वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वक्त का इजाफा हुआ है। वक्त का हमें पता चला है भाई काम शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है। क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, दोपहर से खेल रहा है, शाम से खेल रहा है, कई दिनों से खेल रहा है, कई सालों से खेल रहा है, 15 सालों से खेल रहा है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर पास में देखें, उसने क्रिकेट खेली या उसने क्रिकेट खेली थी। अब हमें नहीं पता कितनी क्रिकेट खेली है। पास्ट इनडेफिनिट की खास बात यह है कि इसमें जो जुमला है वो काम पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर जो हम जो जुमला हमारा स्टार्ट हुआ है, उसने क्रिकेट खेली, ठीक है, तो ये जुमला किस पे ख़त्म हुआ है, काम पे। मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, तो ये भी जुमला किस पे ख़त्म हुआ है, काम पे। तो ये क्या होगा, पास्ट इनडेफिनिट। ही प्लेयर्स ने क्रिकेट खेली थी सेकेंड फॉर्म के साथ। अच्छा, वो क्रिकेट खेल रहा था, काम क्या है, काम जारी था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। अब ही हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका था, यानी भाई वो पहले ही क्रिकेट खेल चुका था, काम पूरा हो चुका था, मुकम्मल हो चुका था। भाई काम मुकम्मल तो हुआ था, कब हुआ था, पास्ट में हुआ था। तो इसीलिए क्या है, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट के अंदर, यानी कि पास के अंदर, कोई काम किसी मखसूस वक्त के अंदर जारी था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस 2015, मैं आपको 2015 से पढ़ा रहा था। अब फ्यूचर में देखें, फ्यूचर में कोई काम होगा, इनडेफिनेट होगा, ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा, नॉन मैयरेबल है, मैयर नहीं कर सकते कितनी क्रिकेट खेलेगा। He will be playing cricket. वो क्रिकेट खेल रहा होगा, future continuous. Future में काम continue है, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, यानी जारी होगा, काम जारी होगा, किस में, किस वक्त में जारी होगा, future में जारी होगा। Done. Perfect में देखते हैं, future perfect. He will have played cricket. वो क्रिकेट खेल चुका होगा, यानी future में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। कब हो चुका होगा भाई, फ्यूचर टाइम, किस टाइम में, फ्यूचर में मुकम्मल हुआ होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में देखें, तो फ्यूचर में कोई मखसूस टाइम, कोई ख़ास वक्त जिसमें काम जारी होगा, ठीक है। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। इज दैट क्लियर और नॉट। इसके हेल्पिंग वर्ब भी साथ में आप नोट कर लें, प्रेजेंट इनडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और Does, और present continuous के होते हैं SMR, S, M और R. Present perfect के होते हैं has, have और present perfect continuous, इनके होते हैं has, have और साथ में जो addition होती है वो होती है been की, has been, have been के साथ ing form। अब अगर पास्ट इनडेफिनेट की बात करें तो इसमें हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं डिड। अच्छा, और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वो होते हैं वॉज और वर। पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हमारे पास होता है खाली एक ही होता है, हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन। फ्यूचर इनडेफिनेट में देखें तो फ्यूचर इनडेफिनेट में हमारे पास 2 होते हैं, Will और shall। आई वी के साथ shall आता है, बाकी सब के साथ will हम लगाते हैं। Future continuous की बात करें तो will के साथ be या फिर shall के साथ be, will be और shall be। Future perfect में will have या shall have, will have, will के साथ have या shall के साथ have, will shall plus have। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव और शैल हैव के साथ बीन, विल हैव, शैल हैव के साथ बीन, विल हैव या फिर शैल हैव और इनके साथ बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अब इसका एक टेबल और बनाते हैं और इसकी कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उससे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को। यहाँ पर अगर आप देखें ये सारी एग्जांपल मैंने नेगेटिव सेंस में बनाई है। नेगेटिव सेंस में बनाने का ये मकसद है कि हमारे पास सारे के सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएं। वैसे अगर अफर्मेटिव की बात करें तो हमारे पास दो टेंसेस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है, ठीक है। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसके अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, यानी डू डज अफर्मेटिव में नहीं आते। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, यहाँ पर डू डज का इस्तेमाल नहीं किया। अब अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें भी हमने डिड का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए मैंने क्या किया है, सारे सेंटेंस नेगेटिव में लिखे हैं ताकि हमारे पास सारे हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए। तो देखते हैं ज़रा प्रेजेंट इंडेफिनिट। We do not help you, हम तुम्हारी मदद नहीं करते हैं। यहाँ पर जो helping verb होते हैं वो होते हैं do और does। Next है past indefinite, We did not help you, हमने तुम्हारी मदद नहीं की। यहाँ पर जो helping verb है वो है did। अच्छा, affirmative में second form होगी, लेकिन जब हम did का इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तब हम डिड के फौरन बाद क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी पास्ट इंडेफिनिट में डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं आएगा तो सेकंड फॉर्म। अच्छा, आगे देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। वी शैल नॉट हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, शल। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट में कोई काम जारी है, पास्ट में कोई काम जारी था, फ्यूचर में कोई काम जारी होगा। एग्जाम्पल देखें ज़रा, वी आर नॉट हेल्पिंग यू, हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूस में देखें ज़रा, वी वर नॉट हेल्पिंग यू, हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस। वी शुड नॉट बी हेल्पिंग यू, हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी और शैल बी। जब हम विल बी और शैल बी का नेगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट देखें प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव नॉट हेल्प्ड यू, हमने तुम्हारी मदद नहीं की है या हम तुम्हारी मदद नहीं कर चुके हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट में देखते हैं ज़रा, वी हैड नॉट हेल्प्ड यू, हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी या हम तुम्हारी मदद नहीं कर चुके थे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड और यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ और सिर्फ हैड। नेक्स्ट देखें ज़रा फ्यूचर परफेक्ट। वी विल नॉट हैव हेल्प्ड यू, हम तुम्हारी मदद नहीं कर चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर विल के साथ हैव या शैल के साथ हैव। नेक्स्ट देखें ज़रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वी हैव नॉट बीन हेल्पिंग यू सिंस मॉर्निंग, हम तुम्हारी मदद सुबह से नहीं कर रहे हैं, हम सुबह से तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन और हैव बीन है। अच्छा, नेक्स्ट देखें ज़रा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वी हैड नॉट बीन हेल्पिंग यू सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट देखें ज़रा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था हैड बीन और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में देखें ज़रा, वी शैल नॉट हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से तुम्हारी मदद नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल हैव बीन, will have been और shall have been। अब अगर हम बात करें indefinite की, तो indefinite के अंदर हमारे पास first form of verb आती है, ठीक है। एक जगह पे second आएगी, वो past indefinite में आएगी, लेकिन उसके भी सिर्फ और सिर्फ affirmative में, बाकी सब जगह पर क्या आएगी, first form of verb आएगी। next continuous में देखें तो continuous में हमारे पास verb की ing form यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। नेक्स्ट अगर परफेक्ट को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अगर लास्ट देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें भी हमारे पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस
ing. अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, सिंस और फोर. सिंस और फोर का यहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ. सिंस हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाता है, भाई कोई काम शुरू हुआ किस वक्त पे शुरू हुआ, अगर हमें पता चल जाए तो वहाँ पर सिंस लगाएंगे. अगर हमें जो टाइम का पता ना चले, स्टार्टिंग पॉइंट पता ना चले, तो वहाँ पर हम फोर का इस्तेमाल करेंगे. आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर मैनी ईयर्स, मैं आपको बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ. अब यहाँ पर वो कौन सा साल था जिसमें मैंने पढ़ाना शुरू किया वो नहीं पता, तो इसीलिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, फोर का. ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है. कब से खेल रहा है, फॉर टू आवर्स, वो दो घंटे से क्रिकेट खेल रहा है. अब यहाँ पर कौन से दो घंटे, यानी कौन सा वो टाइम था, कौन सा वो घंटा था जिस वक्त काम शुरू हुआ, जिस वक्त उसने क्रिकेट खेलनी शुरू की, तो वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने क्या किया, फोर का इस्तेमाल किया. अब अगर हमें टाइम का पता चल जाए, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2015, मैं आपको 2015 से पढ़ा रहा हूँ. अब स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, भाई पढ़ाना है ठीक है, कब से पढ़ा रहे हो, 2015 से. पढ़ाना कब शुरू किया, 2015 से काम शुरू हुआ, तो वो क्या है, वहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल गया, इसलिए हमने वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया. ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, वो 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा है. अब वो कौन सा घंटा था जब काम शुरू हुआ, 10 बजे काम शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक भी, हेल्पिंग वर्ड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और तीन भी हो सकते हैं. जब हमने नेगेटिव बनाना होगा या इंटरोगेटिव बनाना होगा, तो हमने क्या करना है, जब नेगेटिव बनाना है, नॉट लगाना है, तो फर्स्ट वर्ब, यानी चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे वो दो वर्ड हो, चाहे वो तीन हो, ठीक है, इज, वॉज, हैज, हैव, ये इस तरह की क्या है, ये एक एक वर्ड है, यानी दो वर्ड नहीं है, एक वर्ड है. विल बी, शल बी, हैज बीन, हैव बीन, यहाँ पर देखें दो दो वर्ड आए हुए हैं. थर्ड में देखें विल हैव बीन, शल हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, ये सारे क्या है, तीन तीन वर्ड आए हुए हैं. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ जो हमने ज़हन में रखनी है, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस का हमने नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव जब बनाना होगा, फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगाना है, चाहे वो एक होगा तब भी, इसके बाद नॉट, ही इज नॉट, ही वॉज नॉट, ही हैज नॉट, ही, वी हैव नॉट. तो यहाँ पर विल नॉट बी, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, हमने क्या किया, फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगाया है. ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. अच्छा, वी हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट. अच्छा, यहाँ पर भी हमने क्या किया, फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगाया. अगर हमारे पास तीन होंगे तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, फर्स्ट वर्ड के बाद ही नॉट लगा देना है. ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. वी शैल नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर मैनी ईयर्स. वी कुड नॉट हैव बीन डन अवर वर्क. नाउ इज दैट क्लियर और नॉट? उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा. इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.